हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनाली शर्मा। तो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ रिबॉन्डिंग। तो गाइस, मैंने सबसे पहले जो हेयर थे वो वॉश कर लिए हैं अच्छे से। आप देख रहे हो, आपको जब भी रिबॉन्डिंग करनी है आप सबसे पहले हेयर वॉश कर लीजिए। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ लॉरियल की रिबॉन्डिंग। मैंने लॉरियल की प्रोडक्ट लिए हैं। तो गाइस, अब हम शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। All right. तो गाइस, हम करने वाले हैं सबसे पहले बालों को ड्राई। तो गाइस, मैंने ये नोवा का ड्रायर लिया है। आप कोई भी ड्रायर ले सकते हैं अच्छा सा। तो गाइस, आपको ड्रायर अच्छे से कर लेना है, बालों को पूरी तरह सुखाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बाल काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं। तो गाइज़, मैंने ये वीडियो काफ़ी एडिट की है क्योंकि बहुत लंबी बन गई थी। इसमें बहुत टाइम लगता है रिबॉन्ड करने में। तो गाइज़, हम करते रहेंगे चेक कि बाल अब अच्छे से ड्राई हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आपको इसको अच्छे से ड्राई करना है। तो गाइस, जब बाल आपके ड्राई हो जाए पूरी तरह से तो आपको इनको कॉम करना है। आप देख सकते हैं हेयर का जो टेक्सचर है वो वेवी है। तो हमें इसको रिबॉन्डिंग करके बिल्कुल स्ट्रेट हेयर करेंगे। तो मैं अब इनको कॉम कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रश कंघी ले सकते हैं। और गाइस, आपको जो कॉम है वो अच्छे से करनी है, कोई भी टेंगल नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हेयर अच्छे से कॉम होनी चाहिए। उसके बाद गाइस, जब अच्छे से कॉम हो जाएगा तो हम बालों का सेक्शन करेंगे ताकि हम जो क्रीम है वो अच्छे से अप्लाई कर सकें, हर एक बालों पे अच्छे से अप्लाई हो सके। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ बाल आगे करके क्लिप कर दे रही हूँ। हम दो सेक्शन करेंगे, आगे बालों को क्लिप करेंगे। वैसे मैंने दूसरी तरफ भी कर दिया है। अब हम कॉम करके पीछे के कुछ बालों को उठा के उनको भी क्लिप कर देंगे ताकि हर एक बाल में अच्छे से क्रीम लग सके। आपको अच्छे से क्लिप करना है ताकि आप बाद में डिस्टर्ब ना हो। मैंने अब ये फिलिप्स का स्ट्रेटनर ले लिया है। अब आपको एक एक बालों को स्ट्रेट करते हुए जाना है। अच्छे से स्ट्रेट करना है गाइस। आप देख सकते हैं ड्राई करने के बाद भी मैं ज़्यादा स्ट्रेटन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इनको एक दो बार ही चार पांच बार ही स्ट्रेट किया है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा वेवी हेयर है तो आप 7-8 बार भी स्ट्रेट कर सकते हैं। आपको ऐसे ही सेक्शन लेते लेते बालों को स्ट्रेट करना है। और गाइस, आप जब क्रीम फर्स्ट क्रीम लगा लेंगे उसके बाद बाल जो है वो वॉश करेंगे, तो जब आप ड्रायर करेंगे तो आपको कूल ड्रायर ही करना है कुछ देर तक। उसके बाद ही आपको हॉट ड्रायर की तरफ जाना है। तो गाइस, मैंने एक बार कॉम लेके भी स्ट्रेट किए हैं बाल। तो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई टेंगल ना रह जाए और बाल और अच्छे से स्ट्रेट हो जाएं ताकि और अच्छा रिजल्ट मिले। गाइस, जहाँ भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नहीं हुए हैं वहाँ पे एक बार कॉम से अच्छे से उसको स्ट्रेट कर लें, या तो आप पहले ही कॉम की सहायता से बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये ड्राई करने के बाद इनको ज़्यादा स्ट्रेट करने की ज़रूरत लग नहीं रही थी, इसीलिए मैंने ऐसे स्ट्रेट किया।
देख सकते हैं अब ये फर्स्ट हाफ स्ट्रेट हो चुका है। इसी तरह हम सारे बालों को स्ट्रेट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पीछे के सारे बाल स्ट्रेट कर लिए हैं। अब आगे के टू हाफ ही बचे हैं, अब इनको भी हम इसी तरह सेक्शन वाइज ही स्ट्रेट करेंगे। आप देख सकते हैं आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और फिर बालों को अच्छे से स्ट्रेट करना है। तो गाइस ये बीच में आपको धुआं दिख रहा है, कुछ बाल हो सकता है बीच में गीले हो थोड़े बहुत, इसीलिए ऐसा आपको दिख रहा है। आपको इसी तरह सेक्शन लेते हुए एक एक बालों को स्ट्रेट करना है। तो गाइस इसी तरह आपको स्ट्रेट करते जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। आपको इसी तरह से सारे बालों को स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से सेक्शन करने हैं क्योंकि अब हम क्रीम अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको वैसे सेक्शन करने हैं जैसे आपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए किए थे। तो वैसे ही सेक्शन करते हुए आपको बालों को क्लिप कर लेना है और गाइस क्लिप करने के बाद जो बाल अभी नीचे बचे हैं उनको सेक्शन करते हुए हम क्रीम अप्लाई करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं अभी सेक्शन करने वाली हो। तो गाइस मैंने ये फॉइल पेपर लगा लिया है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको लगा भी सकते हैं। तो गाइस इसी तरह से आपको कम से कम 8-7 बार क्रीम अप्लाई करनी है और आपको ध्यान रखना है कि आप रूट्स के पास इसको अप्लाई ना कर दें, रूट से 1 इंच पीछे ही आपको ये अप्लाई करनी है और अच्छे से अप्लाई करनी है, कोई भी बाल रहना नहीं चाहिए वरना वो स्ट्रेट नहीं होगा। और इसी तरह कंघी की हेल्प से बिल्कुल सीधे करते हुए इसको रख लेना है। उसी तरह अगला सेक्शन लेते हुए इसी तरह का प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो गाइस आपको अब यही प्रोसीजर अप्लाई करना है पूरे बालों को क्रीम लगाते हुए। ऐसे आपको क्रीम लेनी है, नहीं ज़्यादा लगानी और ना ही कम। आपको इस तरह से लगानी है कि पूरे बाल मान लो कि गीले हो जाएं उस क्रीम से, और ऐसे ही 7-8 बार करते हुए अच्छे से आपको कॉम के साथ इसको रख देना है। तो गाइस इसी तरह आप देख सकते हैं मैंने सभी बालों पे अब क्रीम लगा ली है। अब मैं इनको अच्छे से कॉम करके बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए रख रही हूँ। तो गाइस इसी तरह अब मैं ऊपर का सेक्शन लेते हुए मैंने अब पिछले बालों में आप देख सकते हैं क्रीम अप्लाई कर दिया है। तो गाइस अब साइड के बालों में भी आपको इसी तरह से यही प्रोसीजर फॉलो करना है। और इसी तरह इसको रख देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरे बालों में क्रीम अप्लाई हो गई है। तो गाइस अब आगे के बालों में आपको इस तरह ऊपर की तरफ लेते हुए क्रीम अप्लाई करनी है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो आप गाइस देख सकते हैं हमारी क्रीम अप्लाई हो चुकी है। अब मैंने फॉइल पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहें।
गाइस उसके बाद मैंने वॉश कर देना है आपको, क्रीम जो है वो 20 मिनट तक रखनी है। उसके बाद आपको बालों को वॉश कर देना है, आपको किसी भी शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसे ही अच्छे से वॉश करना है ताकि सारी क्रीम निकल जाए। तो गाइस उसके बाद मैंने ड्रायर किया था, आप देख सकते हैं ड्रायर से ही कितने स्ट्रेट आ गए हैं बाल, आप लगता ही नहीं है कि आपको यहाँ पे स्ट्रेटनर करने की ज़रूरत भी होगी। तो गाइस मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है, तो गाइस उसके बाद मैंने स्ट्रेटनर किया है ताकि और अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो गाइस आपको भी उसके बाद स्ट्रेटनर वाला ये प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आपको क्रीम अप्लाई करने के बाद भी स्ट्रेट करने हैं बाल सेक्शन वाइज लेके ही। तो गाइस आपको ऐसे बालों को एक एक सेक्शन लेके स्ट्रेट करते जाना है। आप देख सकते हैं गाइस ये फर्स्ट हाफ मैंने स्ट्रेट कर लिया है, अब हम दूसरे साइड पे चलेंगे और इसी तरह इसको भी स्ट्रेट करेंगे। तो गाइस मैंने ये न्यूट्रलाइजर, अब हम सेकंड वाला प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो गाइस मैंने ये क्रीम ले ली है, तो गाइस इसमें ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, और गाइस की रूट्स पे लग भी जाए तो इतना कोई फ़र्क इसका पड़ता नहीं है। तो गाइस आपको न्यूट्रलाइजर भी सेक्शन वाइज ही लगाना है, जैसे हमने फर्स्ट क्रीम अप्लाई की थी वैसे सेकंड क्रीम को भी अप्लाई करना है। तो गाइस ये न्यूट्रलाइजर जो है हमारे बॉन्ड को, बालों के बॉन्ड को बनाए रखेगा। जो हमने फर्स्ट क्रीम लगाई थी जिसमें हमने बालों को स्ट्रेट किया था, वो बालों को स्ट्रेट करेगी, और ये जो सेकेंड क्रीम है ये जो हमने स्ट्रेट किए हैं बाल उसको बनाए रखेगी लंबे समय तक। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से न्यूट्रलाइजर लगा लिया है, वैसे आप ऐसे ही सेक्शन करते हुए सब बालों में न्यूट्रलाइजर लगा लेंगे। तो गाइस न्यूट्रलाइजर हमको 15 मिनट तक रखना है, 15 मिनट के बाद हमको जो बाल हैं वो वॉश कर लेने हैं। आपको कोई भी शैम्पू इसमें भी यूज़ नहीं करना है, सिंपल आपको सिर्फ अपने बाल जो है वो अच्छे से वॉश करने हैं। उसके बाद आपको फिर से ड्रायर करना है, अच्छे से बालों को सुखाना है, आप देख सकते हैं। तो गाइस रिबॉन्ड करने के बाद ही बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आ गई थी, आप देख सकते हैं, और गाइस बाल बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो गए थे। अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई बाल गीले तो नहीं रह गए हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं। अच्छे से कॉम करना है, अब गाइस आप देख सकते हैं जो है टेंगल भी नहीं हो रहे हैं, और आपको एक बार और अच्छे से स्ट्रेट करना है अगर आपको अच्छा और रिज़ल्ट चाहिए तो। ऐसे तो आप देख सकते हैं ड्रायर करके बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं रिबॉन्ड हो चुकी है, आप देख सकते हैं बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, एक एक बाल गाइस अच्छे से बिल्कुल रिबॉन्ड हो गया है। तो गाइस इसी तरह आप रिबॉन्डिंग घर पे भी कर सकते हैं। तो गाइस मैंने ये 500 में की थी। तो गाइस हम पार्लर में कितने पैसे देते हैं आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रिक्स का जो है वो सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस हम पार्लर में जो है वो 8,000-10,000 तक करवाते हैं, मगर आप घर में भी इसको आराम से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और गाइस बाल बहुत सॉफ्ट हो गए थे। तो गाइस अब आपकी रिबॉन्ड हो चुकी है, इसलिए आपको 48 आवर्स तक इनको पानी नहीं लगाना है, और आपको बिल्कुल अगर सोना भी है तो बिल्कुल बाल पीछे तक के पीछे करके नीचे की तरफ इनको रख देना है, और आपको इनको बिल्कुल सीधे ही रखना होगा ताकि अब जैसे इनकी अगर शेप बिगड़ गई तो ये फिर वैसे ही रिजल्ट देंगे आपको। तो गाइस 48 घंटों के लिए आपको बालों को बिल्कुल सीधा ही रखना है ताकि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो गाइस उसके बाद जब 48 आवर्स हो जाएंगे तो हम हेयर स्पा करेंगे, और तभी हम बालों को वॉश भी करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो गाइस आपको ये जो है वो बहुत केयरफुल होके करना है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियो को, और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि इसी तरह से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
Till then, bye.